अपना मराठी बिग बॉस। दोस्तों आज के एपिसोड में बताने के लिए मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं। जहां पर मिला गायत्री को ज्ञान, वहीं साथ ही साथ बात की जाए तो विशाल को बना दिया एंग्री यंग मैन। अगर बात करें सुरेखा ताई की तो सुरेखा ताई को बोल दिया कि भैया ताई कुछ तो कर लो। वहीं आविष्कार भैया को बोल दिया कि तू सबसे ज्यादा वीक हो रहा है तो सुधर जा वरना तू अगले हफ्ते निकल जाएगा। स्नेहा को बोल दिया कि भैया मैडम वुमेन कार्ड खेलना बंद करो। मीरा को बोल दिया कि मीरा थोड़ा सा गेम चेंज करो। क्या माजरा है, क्या है ये बातें, आइए इस वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल फिफा फूज। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम मध्ये मौजूद आहे मी RHULBHOJ राहुल भोज आणि फॉलो करा। चला आपला मराठी बिग बॉस। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो आज के एपिसोड में क्या होता है। आज के एपिसोड में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात बोल दिया जाता है, भैया विशाल तुम जो है एंग्री यंग मैन हो। जिस तरीके से एक एंग्री यंग मैन वाली क्वालिटी होती है तुम वही हो। वेल दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि माजरेकर सर ने कहीं ना कहीं विशाल को ये हिंट दिया है, क्योंकि विशाल की जितनी हमें पर्सनैलिटी समझ में आ रही है वो एंग्री यंग मैन की बिल्कुल भी नहीं है। ही इज सो शाय टिमिड गाय, बट इफ इन केस अगर वो एंग्री यंग गाय बनता है जस्ट लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, तो वो कहीं ना कहीं शो में एक अलग लेवल पे लेकर आएगा। हालांकि हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बन पाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला भैया की बात ही अलग थी। लेकिन अगर इस सीजन की अगर बात करें तो एंग्री यंग मैन कहीं ना कहीं विशाल बन सकता है अगर वो चाहे तो। बस सिर्फ और सिर्फ उसे अपने इमोशंस पे थोड़ा सा हौले हौले कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो पूरे घर की डायनामिक्स जो है हमारे माजरेकर सर जस्टिस करते हुए नजर आते हैं। माजरेकर सर दोस्तों मैं सच बताऊं, मुझे सीजन वन सीजन टू में माजरेकर सर का इंसाफ कहीं ना कहीं लगता था कि माजरेकर सर इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस एंड वगैरह वगैरह। लेकिन अभी इस सीजन में कह सकता हूं कि माजरेकर सर प्रॉपर इंसाफ कर रहे हैं, और ऐसा इंसाफ कर रहे हैं जो कि हम सबको पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर मीरा को एक सीधे से सलाह दे दी जाती है कि मीरा मैडम एक बात सुन ले, तू मुद्दे उठाती है अच्छा है, हमें अच्छा लगता है कि तू मुद्दे उठाती है, बट कहीं ना कहीं तू गलत फालतू मुद्दे उठाती है तो उनसे तू बच। सुगली बूत आता है दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजें एक एक कंटेंडर को पता चलती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ खास लोगों की ही चुगली जो है बताना चाहूंगा। स्पेशली अगर बात करें उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष भैया को अच्छा खासा मौका मिला था कि उत्कर्ष भैया को अच्छा खासा मौका मिला था कि वो जय पर चार्ज करे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि उत्कर्ष भी जय से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। इट्स जस्ट बिकॉज जय एक रियलिटी शो से आया है, उसने रियलिटी शो को जीता है, समझा है, परखा है, तो वो नहीं चाहते, उत्कर्ष भैया नहीं चाहते। क्योंकि देखो घर में जो है जय वीरू के दो जोड़े बन गए हैं, एक बन गया है विशाल विकास, दूसरे बन गए हैं दोस्तों उत्कर्ष और जय। तो ऐसे में उत्कर्ष बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपना पार्टनर तोड़े। जब सुगली बूत आया था तो भैया उत्कर्ष ने कहीं ना कहीं फैंस को निराश किया, अक्षय की तरह अक्षय ने भी अपने फैंस को निराश किया है दोस्तों। उत्कर्ष का ये कहना है कि मेरे फैंस से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जय जो है सही है, क्योंकि मैं सही कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ, क्योंकि फैंस जो बाहर से देखेंगे वो आपको 101% जो है सही बताएंगे, लेकिन आप अपने फैंस को नहीं सुन रहे हैं, आप अपने फैंस की तौहीन कर रहे हैं कह सकते हैं, और इसके चलते आपको ये कहीं ना कहीं कल को चीजें भारी पड़ेंगी, मैं लिख कर दे सकता हूँ दोस्तों। तो उत्कर्ष भैया आप समझ जाइए कि आपको फैंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और फैंस अगर कह रहे हैं कि जय ने ऐसा बोला है तो बोला है, आप उसको मानिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। मीरा को आंखें खोल दी गई, मीरा और गायत्री, मीरा को बेसिकली गायत्री के बारे में बताया गया। तो मुझे यहाँ पे सिंपल से यह कहना है कि मीरा एक बहुत ही मंझी हुई कलाकार लग रही है, मंझी हुई खिलाड़ी लग रही है, और वो उसी चीज को आगे लेकर जाएगी, और वक्त आने पर वो ऐसा बिट्रेल करेगी स्पेशली गायत्री को कि देखना मजेदार रहेगा। अच्छा जय को ये बोला गया कि उसकी बॉडी नकली है, ये वो बातें, मुझे तो नहीं लगा कि ये शायद बातें बोलनी चाहिए थी जय को। जय को उत्कर्ष की बातें बोलनी चाहिए थी जो कि उत्कर्ष ने पिछले हफ्ते बोली थी, अगर आपको याद होगा तो, कि उत्कर्ष ने जो बात बोली थी कि जय को कुछ पता नहीं है, मेरे से पूछता है, ये सारी चीजें बेसिकली इन दोनों के मन में ये बातें हैं।
उत्कर्ष को लगता है कि जय उससे पूछता है, जय को लगता है उत्कर्ष उससे पूछता है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें उनको देखनी चाहिए। वहीं उसके बाद चुगली बूथ में अगर बात करें दोस्तों, तो स्नेहा की अगर ये जो बात थी, स्नेहा की स्पेशली ये वाली बात मुझे ऐसे लगी वुमेन कार्ड को लेकर, वो बहुत सही थी। मांजेकर सर ने बोल दिया कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर उन्होंने घड़ी घड़ी विशाल को और विकास को सपोर्ट किया, विकास को सपोर्ट किया कि विकास एकदम सही था और स्नेहा तू गलत थी, तू बार बार उसको उस जगह से हटने के लिए कह रही थी। ये तो मतलब वही था कि आबेल मुझे मार, तू बार बार उसको कर रही थी कि आबेल मुझे मार, और कल को अगर वो जो चीजें हुई और उस पर तूने ही साफ तौर पर जो है चीजें बोल दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्नेहा तेरी गलती है कि तूने आविष्कार के लिए भी जहर घोला है, तेरी गलती है कि तूने जो है विशाल विकास के लिए भी ये बात बोली जो कि मुझे सही लगती है। सुरेखा ताई को बोला जाता है कि सुरेखा ताई तुम दिख नहीं रही हो, मतलब हालांकि उनको बोला जाता है तुम दिख रही हो, लेकिन मांजेकर सर का कहना यही था कि तुम दिख नहीं रही हो। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो गायत्री को बोला जाता है, गायत्री को चीजें बोली जाती है, गायत्री से पूछा जाता है, गायत्री कहती है सर हमने एंट्री करी थी तो कहीं ना कहीं हम साफ लग रहे थे और हम लोग विकास की बात करती है वो, फिर उसके बाद हम लोग आगे से ही बढ़े लेकिन खेल अलग हो गया, ये हो गया वो हो गया, और गायत्री कहीं ना कहीं है ना दोस्तों बहाने बनाती हुई नजर आई। सो ओवर एंड ऑल आज के वीकेंड के वार में मांजेकर सर का थोड़ा सा डिम माहौल लगा कल के कंपेयर में, लेकिन सर ने एक एक के साथ जस्टिस करी और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अक्षय को बोल दिया कि अक्षय तुम जो कर रहे हो गलत जा रहे हो, जिस तरीके से तुम खेल रहे हो गलत खेल रहे हो, बात तो सही है एकदम, अक्षय गलत ही कर रहा था। अक्षय ने अगर विशाल ने अक्षय को बोल दिया था गेम इज ऑन, अब देखना मजेदार ये रहेगा कि गेम क्या खेलते हैं ये, किस तरीके से खेलते हैं ये, मैं तो लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं दोस्तों उसके बाद चुगली बूथ और उसके बाद वो जो पंचिंग बैग वाला था, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने मीरा को चुगली बूथ के टाइम पे मीरा कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व थी, और मीरा हर जगह चुगली करते हुए नजर आती है, और मीरा जो है कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वो प्रॉब्लमेटिक है और वो कल को करेगी। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो गायत्री की, अगर बात करें तो सुरेखा ताई की, मतलब बेसिकली ये लोग इतने बेवकूफ हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमें टारगेट किया गया, इस हफ्ते भी हमें टारगेट किया गया, तो बेसिकली हमको टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब हम अच्छा खेल रहे हैं। सो दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना आज के मराठी बिग बॉस के रिव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं समेट रहा हूं क्योंकि हिंदी बिग बॉस का भी मुझे करना है। सो आप बस बने रहिए, इसी तरीके से छोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बातचीत करूंगा जो मुझे लगता है। बट ये मैं कह सकता हूं कि विशाल का विकास का गेम चेंज हो रहा है, विशाल को बार बार बोला जा रहा है तुझे यूज कर रहे हैं, तो विकास अब यूज कर रहा है या विकास की सचमुच में एक दोस्ती वाली फीलिंग है ये तो पता नहीं हमें, लेकिन हमें इसके बारे में इंतजार करना होगा। सो गाइस फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में मुझे जरूर बताएं, बहुत मजेदार आज हुआ एपिसोड, एंड बने रहे चैनल के साथ, आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका। सो कीप ऑन वॉचिंग फीफा फूज, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे RHULBHOJ राहुल भोज।